Hare Krishna.
आमी त्वां सुरसंग्रहे सन्ति केशिने प्राञ्जलयोगिनन्ति स्वस्ति त्युक्त्वा महर्षि सिद्धसम्भा स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः रोद्रादित्या वसवो ये साध्या विश्वेश्विनो मरुत्व सोष्णास गंधर्वयक्षा सुरसिद्ध संघा वीक्षन्ते मां स्मिता सेव सर्वे सानेशतव्यकीर्त्या जगत्प्रशिष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसिता प्रीतिशो द्रवन्ति सर्वे शान्ति सिद्धसङ्गा कस्माच्चेदेन नमेरं महात्मा गरीयसे ब्रह्मणो प्रादिपते अनन्तदेवे सजगन्निवासे त्वमक्षरं सदसत्तत्परञ्जा त्वमाधिदेव पुरुष पुराण त्वमस्य ईश्वरस्य करं विधानं पित्तास्ति विद्यं च परं च धाम वायुर्यमो मे वरुणशशाङ्क प्रजापति स्वां कपितामहस्य नमो नमस्ते सुसहस्रकृत्व पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तारथपृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वदेव सर्वानन्तवीर्या नितविक्रमस्तु सर्वं समाप्तो क्षिततो हि सर्व सघेति मात्वा प्रसन्नं यदुक्तं हे कृष्ण हे राघव हे सघेति यच्चावासार्थमशक्तोऽसि विहाय शय्या स न भोजनेषु एकोत्रात्यस्युतसमक्षं तत्क्षामयित्वा महमा पितास्ति लोकस्य सरासरस्य त्वमस्ति पूज्यस्य गुरुर्ब्रह्मणा न त्वस्तमोऽस्त्यधिककृतोऽन्यो लोकः
प्रसादयित्वा महमीश वीर्यं सखेव सख्यो प्रियप्रियायासि देव सोऽहं अहमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव त्वमेव नित्या द्रविणन्तमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव राम। श्री गीता जी का पाठ छठा अध्याय श्लोक संख्या 31 से 40 तक। वसुदेव सुतं देवं कंसचारुरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमाश्रित सर्वथा वर्तमानोऽपि सहयोगी मयि वर्तते आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्त साम्येन मधुसूदन एतस्याहं पश्यामि चञ्चलस्वस्थितिं स्थिरां चञ्चलं हि मनः कृष्ण समाधि बलवद्दृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। श्री भगवान उवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते असंयदात्मना योगो पुष्पाप इति मे मते वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायत। अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतु योगाचलितमानस अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गति कृष्ण गच्छति कश्चिन्नो भयविभ्रष्ट सन्नाभ्रमेव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो निमूढो ब्रह्मणपति एतन्मे संशयं कृष्ण हेतुमाधस्य शेषत वदन्यः संशयस्यास्य चित्त नह्युपपद्यते। श्री भगवान उवाच पार्थ नैवेह नामोत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याण
कृतकस्ते दुर्गतिन्तात् गच्छति पार्थ नैवेह नामोत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृतकस्ते दुर्गतिन्तात् गच्छति वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं हरे शरण प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 6 अगस्त सन 1992 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद श्री राम द्वारा मथाने में हुआ। राम विशेषता से कही है लोक इसमें द्विधा निष्ठा दो निष्ठा बताई है निष्ठा 3 नहीं बताई दो ही बताई है और 5वें अध्याय में दोनों में श्रेष्ठ कौन सा ऐसा पूछा है तो वहां कहा कर्म योग विशिष्य से संयोग तो कर्म संन्यास कर्म योग विशिष्य से ये बात कही है भगवान तो कर्मयोग में क्या विलक्षणता है तो कर्मयोग में त्याग बताया है 18वें अध्याय में संन्यास से महाबाहो तत्व इच्छा भेज दुम और त्याग से ऋषि के त्याग तो संन्यास और त्याग संन्यास सांख्ययोग का वाचक है त्याग कर्मयोग का वाचक है तो कर्मयोग में त्याग होता है त्याग करने में
दूसरे की सहायता लेनी नहीं पड़ती। संन्यास में भी सांख्य में भी, परंतु सांख्य की योग्यता बिना कर्मियों के आती नहीं। सांख्य सीधा करना चाहे तो क्लेश अधिक उसमें क्लेश अधिक होता है, क्यों शरीर के साथ में मैं और मेरापन होने से सांख्य योग की बात, ज्ञान योग की बात ठीक तरह से समझ में नहीं आती और कर्मयोग की बात समझ में आ जाती है। कर्मयोग नाम किसका है कि हमें करना है वो सब संसार के लिए करना है, जो कुछ करना है संसार के, ये बहुत ही बढ़िया बात है। कर्मयोग में बहुत विलक्षण बात है और गीता में जैसा कर्मयोग का वर्णन है ऐसा बहुत कम जगह वर्णन आता है। कर्मयोग का वर्णन बहुत बढ़िया है इसमें। तो करना तीन बात है, एक जानना, एक मानना और एक करना। जानना, मानना, करना। मनुष्य में जानने की शक्ति है और मानने की शक्ति भी है और करने की शक्ति भी है। जानने की शक्ति है, हरेक विद्या जानता है, पढ़ता है, कई बातें याद कर लेता है, जानने की शक्ति है। और मानने की शक्ति है, माँ है, बाप है, भाई है, बंधु है, कुटुम्बी है, हमारी जाति दूसरी जाति की है, ऐसी मानने की शक्ति भी है और करने की शक्ति भी है, तीनों शक्तियां है। तो जानने की शक्ति है वो तो लगानी ज्ञान योग में, और करने की शक्ति लगा दी कर्मयोग में, और मानने की शक्ति लगा दी भक्ति योग में। भगवान को मानना पड़ता है, भगवान दिखते नहीं तो उनको मानना पड़ता है, तो मानने की शक्ति है वह भक्ति योग के लिए है। पाना वो भक्ति योग से पा लेगा, भक्ति योग का फल पाना है, पहले मांगना है, मांगने के बाद में पाना है। इस वास्ते पहले करना, मांगना, पाना, तो पाना भक्ति योग होता है। मैं पाना होता है मांगने से, पाने का अर्थ ये है कि अभी मिला नहीं है वो। इसमें एक बात बताओ मार्मिक, पाना चीज वो है जो हमारे को अभी मिला नहीं है, ख्याल तो नहीं है, मिला नहीं है वो माना पाना होता है। तो ज्ञान योग में तो दो चीज है कि शरीर है, ये शरीर तो हमारे को दिखता है, और मैं हूँ अपनी सत्ता भी दिखती है, पर परमात्मा दिखते नहीं है, अप्राप्त है। शरीर प्राप्त है और स्वयं को प्राप्त है, स्वयं भी है, मैं हूँ, तो मैं हूँ इसमें तो है ज्ञान योग, और शरीर है इसमें कर्म योग, परंतु परमात्मा है वो मानना पड़ता है, उसको ही पाना है। शरीर पाया हुआ है, इसमें मर्म की बात ये है कि जिसमें कुछ भी नहीं जानते उसमें मानने की बात आती है, जानते हैं ठीक नहीं जानते उसमें विवेक की बात आती है। तो शरीर को संसार को जानते हैं, अपने आप को जानते हैं, तो इसमें विवेक काम करेगा। जानी हुई बात में ठीक तरह जानना है, और जो नहीं जानते हैं उस बात में मानना ही पड़ेगा, उनमें जानने की शक्ति लगती नहीं है। खूब ध्यान दो आप, परमात्मा को मानना ही पड़ता है। विवेक, विचार, बुद्धि कहाँ लगती है, क्यों जानते तो है परंतु ठीक ठीक नहीं जानते, तो वहां ठीक जानने के लिए प्रवृत्ति करनी पड़ेगी। तो अपने को जानना और संसार को जानना, वो जानते थे ये संसार है, अपने जानते मैं हूँ, ऐसे जानते थे, पर मैं क्या हूँ, कैसा हूँ,
इसमें ज्ञान योग काम करेगा। और संसार क्या है कैसा है इसमें कर्मयोग काम करेगा। मन जानते हुए उसमें विशेष गहरा उतरना है, वहाँ पर विवेक की ओर करने की आवश्यकता है। और परमात्मा के यहाँ विवेक की काम नहीं, विवेक के द्वारा परमात्मा की सिद्धि नहीं कर सकते, ऐसे विचार के द्वारा परमात्मा की सिद्धि नहीं कर सकते, जानना है ही नहीं। विवेक चलता है अधूरी जानकारी में, जानते हैं पूरा नहीं जानते हैं। तो कर्मयोग और ज्ञान योग, ये जानते हैं पूरा नहीं जानते हैं, परमात्मा को जानते ही नहीं। ये तो सुना ही है, शास्त्रों से सुना है, संत महात्मा से सुना है, जिन्होंने भगवती प्राप्ति कर ली है उन लोगों से हमने सुना है, जाना नहीं है। इस वास्ते मानने की बात मान चलेगी भक्ति योग में। अब वो कर्मयोग है, उसमें जानना क्या है कि कर्मयोग में खास बात है, ये कर्मयोग उसको काम ही ना। भागवत एकादश स्कंध के 20वें अध्याय में योगास्त्रयो मया प्रोक्त तीन योग बताए हैं, तीन योग बताए, उनके अधिकारी बताया है। ज्ञान योग है निर्मल नाम, अत्यंत वैराग्यवान है, संसार से बिल्कुल वैराग्य है, किसी भोग में किसी संग्रह में कभी बुद्धि नहीं लगती, ना संग्रह में बुद्धि लगती है ना भोग भोगने में बुद्धि लगती है, इनसे वैराग्य हो गया। संग्रह का भी वैराग्य, भोगने का भी वैराग्य, ऐसे वैराग्य होती है वैराग्यवान, उनका भी है ज्ञान योग के अधिकारी। और जो कर्मों में लगे हुए रहते, भोग भी चाहते हैं पदार्थ भी चाहते हैं, ये काम ही उनके लिए है कर्मयोग। और नाति शक्त हो निर्मल नृत्य अत्यंत आशक्त है, नहीं कोई विरक्त है, अधिकिच रहा है, वैराग्य भी पूरा नहीं, आसक्ति भी पूरी नहीं, उनके लिए है भक्ति योग। नाति शक्त हो निर्मल हो भक्ति योग हो उससे सिद्धि दे, उसको भक्ति योग सिद्ध देने वाला है, तो भक्ति योग से वो सिद्ध होंगे। तो कर्मयोग किसके लिए, जो हम करते हैं इसमें, इसमें खास बात क्या है कर्मयोग में, कि कर्म दूसरों के लिए करना, औरों के लिए करना, ये खास बात। अपने लिए कर्म करने से बंधन होता है, और वो कर्म अपने लिए न करके औरों के हित के लिए करना, दूसरों की सेवा में लगा देना, इसमें लगा देना, वो कर्मयोग होता है। और अपने लिए करते वो कर्म होता है। तो कर्म से योग क्या होगा, योग नाम परमात्मा के साथ संबंध। तो कर्म संसार के लिए होगा, सबके हित के लिए होगा, सेवा के लिए होगा, भले के लिए होगा, मान देना, आदर देना, सत्कार देना, लाभ कराना, सेवा करना, संसार की सभी, ये कर्मयोग होता। तो कर्मयोग को त्याग कहा है गीता ने, कर्मयोग का नाम त्याग है। तो त्याग क्या है, स्वार्थ का त्याग, ममता का त्याग, कामना का त्याग, वासना का त्याग, ईर्ष्या का त्याग, ये त्याग करना है। जिनके पकड़ने से हम बंधन में पड़ गए हैं उसका त्याग करना है। तो लोभ आदि गए पदार्थों में फंस गए, इससे हम फंस गए हैं, इसका त्याग करना है। तो कामना का त्याग करना, वासना का त्याग करना, इच्छा का त्याग करना, ये त्याग है। तो ये त्याग सिद्ध कैसे हो, दूसरों के लिए किया जाए, औरों के लिए किया जाए। इसमें असली पाठशाला गृहस्थ आश्रम है, इसमें कर्मयोग में पाठशाला है गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम में रहने की एक विलक्षण विद्या गृह से गृहस्थ आश्रम में रहते हुए परमात्मा को प्राप्त करना है, तत्व की प्राप्ति हो जाए, मुक्ति हो जाए, तत्व ज्ञान हो जाए, जीवन मुक्त हो जाए, संसार में रहते हो कोई, उसके लिए है कर्मयोग। तो वो कैसे करे, दूसरों के लिए। तो घर में अपने रहते हुए माता पिता की सेवा कैसे बने, भाई भौजाई की सेवा कैसे बने, स्त्री पुत्र की सेवा, ये खास छह चीजें है।
खास कुटुंब क्या होता है कि भाई और भौजाई, इधर माता पिता, इधर भाई भौजाई, इधर स्त्री पुत्र, ये कुटुंब खास है। इसके सिवाय चाचा हुआ दिखे भी थोड़ा दूर पड़ते हैं। ऐसे कुटुंब भी सबके सब अपनी कुटुंब होता है, एक अपने सात पीढ़ियों के बीच बीच, और इससे अगर होता है अपना कर्म है तो कुटुंब कर्म क्या है कि अपनी जाति के, जैसे राजपूत है तो राजपूत एक जाति है सामान, इस राजपूत में कोई पातावत हुई तो पातावत है, रूपावत है, ये अलग अपना जाति है। उस जाति में जो अलग अपने खास पीढ़ियों में नजीक पड़ते हैं वो कुटुंबी कहलाते हैं। उन कुटुंबियों में नजीक पड़ते हैं माता पिता भाई भौजाई और स्त्री पुत्र, ये छह खास खास कुटुंबी है, नजीक के कुटुंबी है जी। तो इनकी सेवा करना, तो संसार की सेवा करना और संसार की सेवा के सिवाय अपने जो परिवार है, एक जाति के अपने एक कुटुंब के एक एक दादे पोता हम लोग, तो ये जो अपना है ये करवाता अपना परिवार। तो परिवार की सेवा करना, अपने तो स्वार्थ का त्याग करना और परिवार की सेवा करना, ये खास बात है। तो परिवार के लिए ही सब काम करना। अर्जुन के जो विशेषता से बात हुई मन में, तो अर्जुन की यही बात मन में आई, कल कवियों की भाई पहला अध्याय सुनाया था कल। तो अर्जुन कहता है हमारे कुटुंबी कुटुंबी सभी, हमारे पिता है, हमारे दादा है, हमारे परदादा है, हमारे बेटा है, हमारे पोता है, परपोता है, हमारे भाई है, हमारे भतीजा है, ये हमारे कुटुंबी कुटुंबी, इनके सिवाय सारा है, संबंधी है, मित्र है, ये कुटुंब बताया। सारा संबंध था, सारा है, बहनों ही है, ये है, ये थोड़े से दूर है पर ये भी हमारे कुटुंबी खास, क्योंकि स्त्री के साथ में भाई के साथ हमारे संबंध, तो स्त्री के साथ संबंध सारा हमारा हो गया, और बेटों के साथ संबंध पोता हमारे संबंधी हो गया, और जो मित्रता कर रहे हैं आपस में वो हमारे साथ हो गए, वे भाई से भी बढ़कर मित्रता हो जाती है। तो ये सबके सब मर जाएंगे तो बिहार क्या होगा। तो ये कुटुंब को लेकर के स्नेह से अर्जुन ने बातें कही सभी, कुटुंब स्नेह, उस स्नेह से मुंह हो जाता है आदमी का, स्नेह होता ही है ज्यादा। तो कुटुंब स्नेह होता है तो उनमें क्या करना चाहिए, इनमें मार्मिक बात बताई, कर्मयोग में सबका हित कैसे हो, माता पिता की सेवा कैसे बने, माँ की सेवा कैसे बने, पिता की सेवा कैसे बने, भाई की सेवा कैसे बने, और भौजाई की सेवा कैसे बने, भतीजों की सेवा कैसे बने, हमारी स्त्री का पालन पोषण सेवा कैसे हो, पुत्रों का सेवा कैसे हो, केवल काम करना केवल इनके हित हित और सेवा के लिए, ये कर्मयोग होगा, इसको कर्मयोग कहते हैं। सबके हित के लिए काम करना, अपने स्वार्थ और आराम का त्याग, दो चीज अपनी, शरीर से खट करके परिश्रम करना, सेवा करना, ये आराम का त्याग करना, और चीज वस्तु के द्वारा अपने कुटुंब को देना, माता पिता भाई भौजाई को, स्त्री पुत्र को देना, ये पदार्थों के द्वारा, पदार्थ क्रिया दो चीज है हमारे पास में, दोनों चीजों में हमारी आसक्ति होती है, करने की आसक्ति होती है और लेने की पाने की आसक्ति होती है। तो वे दोनों ही चीज उनकी सेवा में लगाना है, पदार्थ भी उनको देना है और काम भी उनका करना है, केवल अनुयोग काम करना है, इसमें रात दिन लग जाए हम। तो ये कर्मयोग होता है, कर्मयोग है वो कामयोग, कर्मयोग उसको काम ही नाम, अत्यंत आश्रित है, कामना है उनके लिए कर्मयोग होता है। तो कर्मयोग में क्या होगा कि वैरागी होगा, स्वतः स्वयंभु मनु और शत्रुपराणी, इनमें विचार किया तो स्वयंभु मनु ने विचार किया कि होयन विषय विराग भवन बसत भा, चौथ पद घर में रहते रहते चौथ वन आ गया,
वृद्ध हो बूढ़े हो गए हो ये विषय विराग विशेष विराग नहीं होता। इस वास्ते दंपति मन अति मन में बड़ा दुख हुआ कि भजन जन्म गए हरि भक्ति बिना भजन के बिना हमारा दिन चला गया ऐसा विचार करके घर से निकले। तो ये क्या थे? ये सबकी सेवा करने वाले थे। राजा होकर अपना सुख नहीं भोगना प्रजा को सुख कैसे हो सबको आराम कैसे मिले सबकी सेवा कैसे सबका हित कैसे हो ये उनकी प्रवृत्ति रहती। तो ये जो विषय हुआ गोयन विषय विराग विराग नहीं होता तो विरागी तो हुआ है ये घर छोड़कर चल दिए विरागी तो हुआ तो ये कर्मियों के कारण से विराग हुआ है। मानो करते थे सब दुनिया के हित के लिए मनुस्मृति है वो भी सबके हित के लिए सबका कल्याण करने के लिए सबका हित हो जाए ये भावना रखते थे इस भावना रखते थे विराग हो गया। धर्म थे वृत्त योग थे ज्ञाना वो सारे लगे धर्म थे वृत्ति धर्म के अनुसार काम करे तो वैरागी होगा। आप गृहस्थ में धर्म गृहस्थ का पालन करो ठीक तरह से केवल गृहस्थ का धर्म पुरुषों का ये धर्म है माता पिता का ये धर्म है भाई भूजा की ये धर्म है स्त्री पुरुषों का ये धर्म है हमारा ये धर्म है ऐसे धर्म थे वृत्ति ठीक धर्म का पालन किया जाए तो वैरागी होगा ही अगर वैराग्य नहीं होता है तो हमने धर्म का पालन नहीं किया। स्वार्थ आसक्ति कामना इसको लेकर काम किए हैं तो वैराग्य नहीं होगा पर धर्म पूर्वक काम करेगा तो उसे वैराग्य होगा ही। केवल उनकी सेवा के लिए करते अपने स्वार्थ नहीं चाहते वैराग्य हो जाएगा मोह मिट जाएगा। एक मार्मिक बात है उसे ध्यान जाता है नहीं है मनुष्य को ध्यान नहीं जाता है आप ध्यान दे करके सुने। हमारा जो स्त्री पुत्र में मुंह है माँ बाप में मुंह है भाई भतीजे में भौजाई में मुंह है ये मुंह उनसे लेने की इच्छा से है लेते हैं इससे है। लेने नहीं इनकी सेवा ही सेवा करें तो मुंह मिट जाएगा। बहुत से आदमियों को ये बहम है कि माता पिता की सेवा करेंगे तो मोह हो जाएगा स्त्री पुत्र की उसे तो मोह हो जाएगा भाई बच्चे की सेवा करे तो मोह हो जाएगा मोह नहीं मिट जाएगा मोह। ये खास बात है छिपी हुई बात जानते नहीं है केवल सेवा करनी अपनी सेवा नहीं लेना और सेवा लेने से करने से क्या होता है व्यापार होता है। जैसे पैसा दे दिया वस्तु दे दी वस्तु दे दी पैसा दे दिया ये आदान प्रदान होता है इससे संबंध विच्छेद नहीं होता और नहीं लेकर सेवा ही सेवा करते संबंध विच्छेद हो जाती है मार्मिक बात। तो कर्मयोग में क्या है कामना का आसक्ति का स्वार्थ का त्याग करके सेवा ही सेवा करना। तो सेवा करने से पहले जो लिया है कुटुंबियों से उसका कर्जा चुका दिया और रहने की इच्छा नहीं नया कर्जा लिया नहीं नया कर्जा तो लेना बंद कर दिया फिर पुराना कर्जा चुका दिया तो बैरग हो जाएगा सत ही एकदम ठीक हो जाएगा संसार में रहते हुए ग्रस्तों में रहते हुए दूसरों से सेवा की इच्छा न रख करके दूसरों की सेवा ही सेवा क्यों करना है सुख ही सुख पहुंचाना है आदर सत्कार ही करना है देना ही देना है लेना है ही नहीं लेने क्या संसार को लेने वाला है लेना चाहते हैं तो उनको देो उनकी सेवा करो उनको सुख पहुंचाओ हित करो के प्रांति मंत्री मामे वह सर्वभूत हित रथा प्राणी मात्र के हित में रत होते हैं परमात्मा को प्राप्त होते हैं तो प्राणी मात्र के हित में रत रहना है ये बात खास है। सबका हित कैसे हो सबका कल्याण कैसे हो सबको सुख कैसे हो सबको आनंद कैसे मिले किसी को तकलीफ न हो जाए तो कृष्ण में रहते हुए ये करना चाहिए। कर्म क्या है एक बात और मार्मिक बता मैं आश्रम चार है एक ब्रह्मचर्य आश्रम है एक गृहस्थ आश्रम है एक वानप्रस्थ आश्रम है एक संन्यास आश्रम है। तो ब्रह्मचारियों का पालन पोषण भी गृहस्थ करता है
और गृहस्थों का पालन पोषण भी गृहस्थ करता है, और बाण प्रस्थों का पालन पोषण भी गृहस्थ करता है, और सन्यासियों का पालन पोषण भी गृहस्थ करता है। गृहस्थ सबके माँ बाप है, क्यों ब्रह्मचारी कृष्ण से ही पैदा होंगे, कृष्ण से ही पालेंगे, कृष्ण भी कृष्ण से ही पैदा होंगे, कृष्ण से ही पालेंगे। सगाई ब्याह करो सबसे ठीक है, गृहस्थों को पालन गृहस्थों से होता है, और बाण प्रस्थों के पालन भी गृहस्थों से होता है। वे धर्म से गृहस्थ है, गृहस्थ से ही तो बाण प्रस्थ होते, और सन्यासी होते तो गृहस्थ में से ही होते, और गृहस्थ पालन उनका करता है। तो गृहस्थ समय ये मूल है, सबको उत्पन्न करने वाला, सबका पालन पोषण करने वाला, सबकी सेवा करने वाला, सबका प्रबंध करने वाला गृहस्थ है। तो गृहस्थ के ऊपर सुन है, तो कर्मयोग है, ये सबके लिए बहुत ही आवश्यक है, बहुत जरूरी है। जिसने सबकी सेवा हो जाए, अपने आश्रम का त्याग हो जाए, स्वतः संसार से वैराग्य होकर भगवान की तरफ चले, फिर बाण प्रस्थान में संन्यास आश्रम में चला जाएगा। इस वास्ते ये बहुत ही आवश्यक और जरूरी है। नारायण नारायण नारायण, तो वो पाठ सदागृष्ट की है, सबको सुख पहुंचाना, सबको आराम पहुंचाना, सबकी सेवा करना, ये गृहस्थ आश्रम में खास बात। तो कर्मी वो है गृहस्थों के लिए खास।